अगर आप मुरादाबाद शहर में दिल्ली रोड के पास के इलाके में एक ऐसे मकान की तलाश में हैं जहां पार्किंग बहुत अच्छी हो, ऐसा एक मकान जो कि 150 गज में बना हुआ हो, आलीशान लुक हो, 4 बड़े कमरे हो, स्पेसियस हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि बताया मैंने, ये मकान 150 गज में होने वाला है, इसकी नॉर्थ फेसिंग है और सामने पार्किंग के लिए आपको 20 फीट की रोड मिल रही है, जो कि नॉर्मली दिक्कत आती है पार्किंग की, तो यहाँ पे वो समस्या नहीं है। इसके अलावा आपका जो पार्किंग एरिया हम देखेंगे, काफी स्पेसियस होने वाला है, आपकी 4 व्हीलर यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएगी। और मकान जैसे कि आपका 1.5 मंजिला मकान है ये, तो चलिए जैसे हम एंटर होते हैं तो देखेंगे ये आपका एरिया छोड़ा गया है ताकि आपका वेंटिलेशन की कोई समस्या ना हो, स्पेस दिया गया है। इसके अलावा ये देखें हमारा पार्किंग एरिया, यहाँ पे कोई भी आपकी बड़ी 4 व्हीलर आराम से पार्क होने वाली है। और जब हम अंदर आते हैं तो देखेंगे ये आपका फर्स्ट फ्लोर को रास्ता जा रहा है, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं इधर से, ग्राउंड फ्लोर से। तो इस साइड में जो है आपका एक गेस्ट रूम होने वाला है, जिसके 2 डोर हैं, आपका एक एंट्री इधर से है, पर हम एंट्री करेंगे आपके अंदर की ओर से। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे बता दूं आपको, इस मकान में अच्छा पैसा लगा हुआ है, क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है, और उसी हिसाब से देखेंगे तो आपकी डबल डोर एंट्री है, ये आपका हार्ड वुडन डोर यूज किया गया है, इसके अलावा मैच डोर यूज किया गया है। बेनिफिट ये होता है कि गर्मी के दिनों में वेंटिलेशन के लिए बहुत सुविधा रहती है और मक्खी मच्छरों की भी समस्या इसमें नहीं आती है। तो अब जब यहाँ आते हैं, ये आपका लॉबी एरिया होने वाला है। और बता दूं मैं आपको, लॉबी एरिया से कनेक्टेड आपको 2 बड़े कमरे मिलने वाले हैं, इसके अलावा एक अटैच बाथरूम इस तरफ है, और ये जो एरिया है यहाँ पे भी एक बाथरूम दिया हुआ है। इसके अलावा एक आपका गेस्ट रूम है और ये आपका किचन है। तो शुरुआत करेंगे हम किचन से, तो ये देख लेते हैं हम, ये आपका एक मॉडर्न लुक के साथ आपका एक किचन दिया गया है। आपका देखेंगे स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स और स्लाइडिंग के लिए काफी कैबिनेट स्टोरेज पूरा दिया हुआ है। और जो आपका सिंक है यहाँ पे हम देखेंगे तो टैब वगैरह सारे अवेलेबल हैं, और लुक पूरा मॉडर्न होने वाला है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए स्विचेस वगैरह भी दिए हुए हैं। और किचन के बाद जब हम इधर आते हैं तो ये आपका रूम होने वाला है, गेस्ट रूम है। पूरे मकान का स्टैंडर्ड बता दूं कि यहाँ पे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है पूरा इस पे स्टोन वर्क हो रखा है, वॉल पे जो पेंट है बहुत अपडेटेड है, मैचिंग वाला है। इसके अलावा जो आपकी सीलिंग है, जो आपकी फॉल सीलिंग है, वो डिजाइनिंग फॉल सीलिंग है, जिसमें लाइट्स का जो मल्टी कलर LED आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो लुक बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस रूम के बाद जब हम आगे चलते हैं और लॉबी एरिया से जब हम अंदर आते हैं तो इधर एक आपका छोटा सा पूजा घर का स्पेस दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज रहती है कि घर में आपका पूजा घर सेपरेट दिया हुआ है, तो आपका बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस की जाती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया है पूजा घर के लिए। और स्टोर के बाद जब हम अंदर आते हैं तो ये आपका बेडरूम नंबर 1 होने वाला है। जैसे कि बताया काफी स्पेसियस है, आपको देखिए कलर जो यूज किया गया है तो रेड एंड जो आपका लाइट क्रीम कलर का जो पेंट यूज किया गया है बहुत अच्छा लुक आ रहा है। इसके अलावा आपका जो डिजाइनिंग POP है वो बहुत क्वालिटी लुक दे रहा है, रेड एंड व्हाइट। और इस रूम में देखेंगे स्टोरेज के लिए वार्डरोब दिया हुआ है, काफी स्पेसियस वार्डरोब होने वाला है। आपका ग्राउंड से लेकर आपका रूफ तक का आपका वार्डरोब दिया गया है, तो काफी स्पेसियस वार्डरोब होने वाला है। इसके अलावा वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डबल डोर एंट्री होने वाली है इसकी, यहाँ से आपका वॉशरूम वगैरह के लिए रास्ता है, तो जो आपके जो ग्राउंड में जो दोनों बेडरूम है उनकी कनेक्टिविटी आपके वॉशरूम से होने वाली है। तो एक वेस्टर्न स्टाइल का आपको एक ये आपका वॉशिंग एरिया है। उसके बाद हम इस तरफ देखेंगे तो आपको वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। और अच्छी चीज ये होने वाली है इसमें कि जो टाइल्स है आपका 8 फीट तक आपकी टाइल यूज की गई है, उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बाथरूम वगैरह में जैसे पानी वगैरह ज्यादा रहता है तो सीलन की समस्या यहाँ पे नहीं आती है, और काफी स्पेसियस ये आपका वॉशरूम होने वाला है। और इधर से हम देखते हैं तो ये आपका बेडरूम नंबर 2 आ रहा है,
ग्राउंड फ्लोर का, तो सेम यहाँ पे भी काफी स्पेसियस होने वाला है। और अच्छी चीज ये है कि स्टोरेज के लिए यहाँ पे वार्डरोब बना के दिया हुआ है आपका, वुडन वर्क किया हुआ है। लॉबी के पास में हम देखेंगे, ये आपका वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब ऊपर देखते हैं तो आपको आयरन का मैच दिया गया है ताकि आपका एरेशन रहे, डे टाइम में लाइट आपको यहाँ मिलती रहे सनलाइट। इसके अलावा ये आपका वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपका कॉमन यूज के लिए ये आपका वॉशरूम होने वाला है, एक वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। टाइल्स हम देखेंगे, टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा होने वाला है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखेंगे काफी स्पेसियस ये जो जीना बना हुआ है। तो अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे बता दूं आपको, आपका एक बड़ा सा रूम दिया गया है, इसके अलावा वॉशरूम, ये आपका किचन का एरिया। हालांकि अभी इस पर पूरी तरह किचन के स्लैब वगैरह नहीं डाले गए, स्पेस छोड़ा गया है, बट इसको किचन की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तो एक वेस्टर्न स्टाइल का कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। अब हम चलते हैं कमरे के अंदर। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जो आपका रूम है, काफी बड़ा रूम दिया गया है, काफी स्पेशियस है। और जैसे कि बताया कि पूरे मकान में आपका स्टोन वर्क कर रखा है, पत्थर लगा हुआ है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी लाइट क्रीम है, ब्लू है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ से बनने वाला है। और जो छत का जो लुक है वो भी बहुत प्यारा है। और जब इधर कमरे से बाहर को आते हैं तो ये आपका बालकनी एरिया होने वाला है। अच्छी चीज़ है कि बालकनी में भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आराम से आपके चार पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। और जो लुक है, मटेरियल है, बहुत प्यारा है, मजबूत है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने वाली प्रॉपर्टी की जानकारी आपको मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकले, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके हाथ से कोई अच्छी डील नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे चैनल की जो USP है, हम लो, मीडियम और हाई सब टाइप की प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं उसमें भी आप हमारी मदद ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको यह है कि आपके प्रॉपर्टी के, चाहे वो मकान हो या प्लॉट हो, उसकी डिटेल्स आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी लोकेशन क्या है, क्या USP है। दो कंडीशन पे मैं वर्क करता हूँ, एक तो प्रॉपर्टी साफ सुथरी हो, दूसरा उसके जो रेट हो
वो जेन्युइन हो, तो डेफिनेटली हम आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में मदद कर सकते हैं। और आपकी प्रॉपर्टी सेल होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं अगर यूट्यूब सर्च बार में आप टाइप करते हैं प्रॉपर्टी इन मुरादाबाद, तो हमारे चैनल रैंक करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की सेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इस आलीशान मकान की कॉस्ट बताने से पहले मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को समराइज कर दूं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध पार्क से जब हम जाते हैं ब्रेड फैक्ट्री को, उस रोड पे पीएससी रोड कहलाती है, उस रोड पे आपका गेटेड सोसाइटी में ये मकान होने वाला है। 150 गज में बना हुआ मकान है, सामने पार्किंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको 20 फीट की रोड मिलने वाली है और इंडोर पार्किंग की भी यहाँ पे सुविधा है। ग्राउंड फ्लोर पे हम देखेंगे 3 आपको बड़े कमरे मिल रहे हैं जिसमें आपका स्टोरेज के हिसाब से वार्डरोब वगैरह भी दिए हुए हैं। इसके अलावा 2 वेस्टर्न स्टाइल के वॉशरूम वगैरह अवेलेबल है और लॉबी एरिया भी काफ़ी अच्छा है, एक मॉडर्न स्टाइल का आपका किचन मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको एक बड़ा रूम जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस मकान को, इसके अलावा एक किचन का स्पेस दिया हुआ है और एक वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। तो 150 गज में काफ़ी आलीशान ये मकान होने वाला है। और अगर हम इस मकान की कॉस्ट की बात करें तो इस 150 गज वाले मकान की जो कॉस्ट है वो है 75 लाख, यानी ये जो मकान है आपको 75 लाख में पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्या रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।